दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सत नमन, आपका अभिनंदन है। मेरे जीवन में हमारा देश सर्वोत्तम है। देश एक माँ की तरह है, जिस तरह माँ हमें 9 महीने अपने कोख में पालती है, सारे न्यूट्रिशन दे के जीवन जीने के सारे वातावरण उसके यूट्रस में होता है, और फिर हम जब धरती पर आते हैं तो जिस देश के भी हम वासी हों, वो देश की हवा, पानी, भोज्य पदार्थ हमें जीवन देती है, और हम उस देश में ही सुरक्षित रहते हैं। शिक्षा से लेके ज्ञान, सारी सुविधाएं हमें उस देश के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिरघर्षि, इसीलिए कहा गया है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी सर्वोत्तम होता है। प्रिय दोस्तों, लेकिन आज का भारत भ्रष्ट हो चुका है। भारत भ्रष्ट हुआ है का मतलब कि भारत के वासी, यहाँ बहुत ज्ञानी महापुरुष कम हैं, लेकिन स्वार्थी, लोभी, कामी, क्रोधी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस देश का सर्वनाश कर रहे हैं। ये बहुत दिनों से चला रहा है, इसीलिए भारत 1200 वर्षों तक गुलाम रहा, क्योंकि यहाँ के लोग स्वार्थ में विदेशियों ने जब हमला किया तो उनके साथ सहयोग किया, और अपने ही लोगों के बीच में छुरा भोंक के अपने ही देश को गुलाम बना दिया। प्यारे दोस्तों, आज का समाज हमारे युवा पीढ़ियों का समाज है, इसीलिए योगी वीरेंद्र योगी अपने युवा पीढ़ियों से ये निवेदन करता है कि आप जागो मेरे भाई, ये देश मेरा है, ये देश तुम्हारा है, ये देश के लोग मेरे हैं, ये देश के लोग तुम्हारे हैं। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए एकता की आवश्यकता है, और ज्ञान की भी अद्भुत आवश्यकता है। अगर हम ज्ञानी नहीं होंगे, अगर हमें सही पता नहीं है कि सत्य क्या है, क्योंकि आप जानते हो सत्य में विजयते, तो हम भटक जाएंगे। इस देश में बहुत ऐसे देशद्रोही हैं जो राजनीति को अपने जीवन में खाने पीने का धंधा बना लिया है, धंधा है, बिजनेस है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बेटी इंदिरा गांधी, उसके बेटे राजीव गांधी, उसकी पत्नी सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, और उसके वंश से वंश ये परंपरा चला आ रहा है। उनके जीवन और जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, वो है केवल राजनीति, और इसी से वो अपना जीवन जीते हैं, और महाराजाओं की तरह शासन करते हैं, शासक बने रहते हैं, और उनका जो इनकम होता है, उनकी जो आय है, वो थोड़ी मात्रा में नहीं है, वो हजारों करोड़ों में होता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं कि देश के लिए न उनको दिल में कोई प्रेम है, न देशवासियों के लिए उनके दिल में कोई स्नेह है। उनको तो केवल शासन चाहिए, सत्ता चाहिए, वंशवाद चाहिए, जातिवाद चाहिए, संप्रदायवाद चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। कोई भी देश का सही सिपाही जो अपने मातृभूमि को प्यार करता है, वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है, कभी भी अपने लिए जीता है। हमारे गुरुजी विवेकानंद ने कहा कि उसी का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि जो सौभाग्य हमको मिला है, सरस्वती का वरदान मिला है, जिस विचारों से हम प्रेरित और प्रभावित हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा बुद्ध, महात्मा विवेकानंद, और अनेक ऐसे महान व्यक्ति, लाल बाल पाल, जो भी हमें संदेश दे के गए कि देश ही सब कुछ है, देश के लोग ही सब कुछ है, क्योंकि देश है तो हम हैं, हमारा मान, स्वाभिमान, सम्मान सब अपने देश के चलते हैं। इसीलिए हम सबों का उत्तरदायित्व तो होता है कि हम सच्चाई को समझें। सत्यमेव जयते, सत्य का ही केवल विजय होता है, और ये प्रजातंत्र है, इसीलिए उस व्यक्ति को सत्ता सौंपें जिसमें विचार हो, विवेक हो, सचमुच का देश से प्यार हो, देशवासियों से प्यार हो। तो यही मेरा निवेदन है कि मातृभूमि सबों का है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं,
धर्म व्यक्तिगत मामला है। जब हम घर से बाहर आते हैं तो वो धर्म धर्म नहीं होता, हमारा कर्म ही धर्म बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो मा कर्म फल हेतुभू माते संगोस्त कर्मणि। और प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमारे बच्चे युवा पीढ़ी के लोग हैं, इनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है, और इसीलिए ये बच्चे हमारे छात्र हैं। और इनको हमेशा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सचमुच के ज्ञानी बनिए, भगवान बुद्ध विवेकानंद के रास्ते पर चलिए, गीता उपनिषद कुरान बाइबिल सबको पढ़िए। ये देश धर्म निरपेक्ष है, यहाँ हर जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं, इसीलिए हम इस देश को महान बना सकते हैं, जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें देश के लिए प्रेम हो, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, जिसमें केवल हो देश प्रेम की भावना। और ये हमारे जो वीर बालक आए हुए हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की श्रेणी के हैं, उन्हीं के नस्ल के हैं, इनके लिए देश ही सब कुछ है। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश तुझे मिटने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, मुड़ने नहीं दूंगा, प्रगति के पथ पर ही चलाना है। भले हम रहें न रहें, देश जिंदा रहे, देश के लोग जिंदा रहें, देश की बहने और भाई जिंदा रहें। ये निस्वार्थ भावना से मेरे बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं, और एक दिन हम सभी मिलके, हम हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई, इस देश को महान बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये युवा पीढ़ी के बच्चे कुछ चंद 10-20 के आसपास हमारे साथ है, लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी की जनसंख्या 67% है। अगर हमारी भी युवा पर पीढ़ी जागेगी तो हिंदुस्तान जागेगा, हिंदुस्तान एक महान नया भारत बनेगा। और इसीलिए सबों से निवेदन है युवा पीढ़ी से कि देश सब कुछ है। जिस तरह माँ आपको जन्म दिया, जन्म के बाद आप इस धरती पर रहते हैं, माँ जैसे आपको अपने कोख में आपको सारे सारे पोषक पदार्थ दिए, धरती पर आने के बाद इसी वतन की हवा पीते हो आप, इसी वतन के पानी पीते हो आप, इसी वतन से फूल फल सब्जी खाते हो आप, तो माँ के बाद दूसरी माँ होती है तो आपका देश। इसीलिए हम फख्र से बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसीलिए हर हिंदुस्तानी का ये फख्र होनी चाहिए कि वंदे मातरम कहे। वंदे मातरम का मतलब है कि जिस तरह तुम अपनी माँ के कोख से पैदा लिए, अगर माँ की वंदना नहीं करते, उपासना नहीं करते, उसका जय नहीं बोलते, शर्म आनी चाहिए। माँ ने जन्म दिया, लेकिन ये धरती ने तुम्हें माँ की तरह ही हवा पानी खाना पीना दिया। उन गद्दारों से ये निवेदन है, खामोश, आजादी बहुत मिली है तुम्हें, जवान बहुत चलाते हो, वंदे मातरम बोलना ही होगा अगर हिंदुस्तान में रहते हो, क्योंकि ये माँ भारत माता हमारी नहीं तुम्हारी है, सबों की है, क्योंकि ये माँ तुम्हें खाना खिलाती है पिलाती है, और ये देश की सुरक्षा तुम्हें जिंदा रखती है। नहीं तो पड़ोसी देश आके तुम्हें टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे, फिर से अंग्रेज यहाँ आएंगे, फिर से गुलाम बनाएंगे, फिर से बाबर यहाँ आएगा, फिर से यहाँ गुलाम बनाएगा। देश महान है, देश के लोग महान है, सबों का उत्तरदायित्व होता है कि एक साथ मिलकर अपने देश की सुरक्षा को कायम रखे, देश की सभ्यता संस्कृति को बना के रखे। देश हमारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों का है, लेकिन सबों में राष्ट्रीयता देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। लेकिन जो देश में रखे गद्दारी करते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए हमारे धरती पर कोई जगह नहीं है। जो तुम्हें प्यारा है वहाँ चले जाओ, लेकिन हिंदुस्तान की जगह पर सरजमीन पर रहना है तो वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, और देश के लिए जीना पड़ेगा, देश के लिए मरना पड़ेगा, तभी हमारा देश महान हो सकता है। हमें एकता चाहिए, विभिन्नता में एकता की आवश्यकता है, हम एक हैं, सब लोग मिलके एक हिंदुस्तान, महान हिंदुस्तान, सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, आत्म सर्वभूतेषु। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कैसे लगा ये तुम्हारा?